महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना उद्धव गुट की पहली शाम पहली लिस्ट जारी हुई। उद्धव ठाकरे ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। कोपरी पाचक पखाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार दिघे को टिकट दिया गया है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ ठाकरे गुट ने सावंतवाड़ी से पूर्व विधायक राजन तेली को टिकट दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ सिल्लौड से सुरेश बनकर को चुनाव में उतारा गया है। शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट में 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 5 सीटें SC और 3 सीटें ST के लिए हैं। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में शिवसेना UBT ने सबसे पहले लिस्ट जारी की है। अभी कांग्रेस और NCP शरद पवार गुट की लिस्ट आनी बाकी है। MVA ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बताया है। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने बताया कि कुल 270 सीटों पर बात बन गई है। कांग्रेस, शिवसेना और NCP 85-85 सीटों पर यानी कुल 255 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अन्य दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी यह अभी नहीं बताया गया है। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक एकमत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी